मंत्री जी, कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटक में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटक में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार, जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी दो बैल दे दो। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड। ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटक में, यही। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटक में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटक में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार, जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी दो बैल दे दो। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड। ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटक में, यही।